इसके बाद हम लोग पोइट्री सेशन शुरू करते हैं अपना, और सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा आसिमा भट्ट जी को। आसिमा जी आप आसिमा जी की ताली। सबसे पहले गुड इवनिंग एवरीबॉडी। पिछली बार भी आप लोग मुझे देख चुके हैं यहाँ पे, और ये खुशी है मुझे कि यहाँ पर ये जॉगर्स पार्क और लवर्स पार्क के अलावा पोइट्स पार्क भी बनता जा रहा है, आर्टिस्ट पार्क, और इतने सारे लोग आप लोग इन्जॉय करते हैं, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि बहुत आप लोग आते होंगे घूमने लेकिन बैठ जाते हैं और बैठ करके इतना इन्जॉय कर रहे हैं। मोर्चे पे कभी का मुद्दा जहाँ तक है, जो मसला है वो सिर्फ आकर के कुछ पढ़ देना नहीं है, वो ये भी है कि बहुत सी चीज़ें, जैसे कि अभी मयंक कह रहे थे कि हमें पार्ले जी बिस्किट बनाया जा रहा है, तो एक अजीब सा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है हमारे दिमाग में कि हम हैं क्या, पार्ले जी बिस्किट है, इंसान है, आराम है, रहीम है, श्याम है, किशोर है, क्या है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको अपने अपने तरीके से, या फिर गीतों से, गज़लों से, या फिर किसी हमारे जो देश के बड़े पोइट हुए उनके माध्यम से बात की जाए। आज मैंने वो सर्वेश्वर दयाल जी की एक कविता है कि किसी भी हत्यारे को मत करना माफ़, वो मैंने चुनी है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना भाई, जब फ़ोन पे बात करनी हो ना, या तो आप हट जाए या मुझे कहे, हम वेट कर लेंगे। तो नहीं, डेमोक्रेसी है, आप बात कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बहुत बड़े राइटर भी थे, पोइट भी थे, और उनकी जो सबसे बड़े अच्छी मुझे दो लाइनें हैं जो मुझे याद है, बाकी तो मैं देख के पढ़ूंगी, कि जब कोई नहीं करता हस्तक्षेप, जब कोई नहीं करता हस्तक्षेप, तो शहर के बीचों बीच से गुजरता हुआ मुर्दा पूछता है, आदमी मरता क्यों। एक उनकी लंबी कविता है जो मैं यहाँ पढ़ रही हूँ आप सबके लिए। यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो? यदि तुम्हारे एक कमरे में आग लगी हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो? यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में लाशें सड़ रही हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? यदि हाँ तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। देश कागज़ पर बना नक्शा नहीं होता, देश कागज़ पर बना नक्शा नहीं होता कि एक हिस्से के फट जाने पर बाकी हिस्से उसी तरह साबुत बने रहें, और नदियाँ, पर्वत, शहर, गांव वैसे ही अपनी अपनी जगह दिखें, अनमने रहें। यदि तुम ये नहीं मानते तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। इस दुनिया में आदमी की जान से बड़ा कुछ भी नहीं है, इस दुनिया में आदमी की जान से बड़ा कुछ भी नहीं है, न जमीन, न गांव। इस दुनिया में आदमी की जान से बड़ा कुछ भी नहीं है, न ईश्वर, न ज्ञान, न चुनाव। कागज पर लिखी कोई भी इमारत फाड़ी जा सकती है, और जमीन की सात परतों के भीतर गाड़ी जा सकती है। जो विवेक खड़ा हो लाशों को टेक कर, वो अंधा है। जो शासन है, जो चल रहा है बंदूक की नली से, हथियारों का धंधा है। यदि तुम ये नहीं मानते तो मुझे तुम्हारे साथ अब एक क्षण भी नहीं रहना। याद रखो, एक बच्चे की हत्या, एक औरत की मौत, एक आदमी का गोलियों से चिथड़ा तन किसी भी शासन का नहीं है, संपूर्ण राष्ट्र का है पतन। ऐसा खून बहकर जमीन की धरती पर जब्त हो जाता है, आकाश में फहराते झंडों को काला करता है। जिस धरती पर फौजी बूटों के निशान हो और उस पर लाशें गिर रही हो, वो धरती यदि तुम्हारे खून में आग बनकर नहीं दौड़ती तो समझ लो कि तुम बंजर हो गए हो। तुम्हें यहाँ सांस लेने तक का भी अधिकार नहीं। तुम्हारे लिए नहीं रहा अब यहाँ ये संसार। आखिरी बात बिल्कुल साफ,
आखिरी बात बिल्कुल साफ, किसी भी हत्यारे को नहीं करना माफ, चाहे हो वो तुम्हारा यार, धर्म का ठेकेदार, चाहे लोकतंत्र का स्वनाम धन पहरेदार। कुछ अपना भी तो, एक छोटी कविता ही सही, अपना भी तो पढ़ा कीजिए ना, कंटिन्यूटी में अच्छा रहे। दो लाइन की पढ़ती बस, समुद्र को देख के याद आया, और चूंकि मैं मुंबई जब आई थी, मैं यहाँ से नहीं हूँ, मुंबई आए 8 साल हुए हैं, तो मुझे किसी ने कहा था समुद्र बहुत डराता है, और चूंकि मैं फिल्म लाइन में स्ट्रगल कर रही थी तो वाकई में समुद्र मुझे डराता है। तो मैंने लिखा था, अब के जो लहरों के थपेड़ों से उभरेंगे, अब के जो लहरों के थपेड़ों से उभरेंगे, देखना एक दिन समंदर को रौंदेंगे। थैंक यू।